हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदारनगर अहमदाबाद। आज मैं आपका TY BCom का सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कैश बुक, कैश बजट जो चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं आपको उसका क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, होपफुली आपने बुक्स तो ले लिए होंगे। सो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 360 पर दिया हुआ है। ये देखिए आप, पेज नंबर 360, क्वेश्चन नंबर 2। समराइज्ड बिलो आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू अगस्त। मार्च से लेकर अगस्त के सारे एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं और हमें इसमें से कैश बजट बनाना है। हो सकता है न्यू एडिशन में या अलग अलग एडिशन में ये क्वेश्चन आगे पीछे दिया हुआ हो, आप इन नंबर्स को देखकर अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर लो। तो आइए अब हम सम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन में आपको पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। फर्स्ट कॉलम हमें मंथ का दिया हुआ है, देन सेल्स, परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब हमें जब भी कैश बजट बनाना होता है तो कैश बजट में हम ये देखते हैं कि आने वाले 3 महीने में हमारे पास कैश कितना रहेगा, कैश बैलेंस कितना होगा, क्या उसका एक्सेस होगा, कैश हमारे पास एक्सेस होगी या कैश शॉर्टेज हो जाएगी। तो हम कैश बजट बना रहे हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब सबसे पहले फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, कैश बजट मैंने हेडिंग दी है कैश बजट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 मई टू 31 जुलाई। ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स, हमें ऐसा फॉर्मेट बनाकर रखना है। नाउ क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या दिया लिखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यू आर गिवन द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट, प्लांट कॉस्टिंग 16,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई, पेएबल 10% ऑन डिलीवरी एंड द बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स। इन्होंने कहा है कि एक प्लांट का इन्होंने ऑर्डर किया है और उस प्लांट की वैल्यू है 16,000, जिसमें से 10% इन्हें जुलाई में पेमेंट करना है और बाकी आफ्टर 3 मंथ्स। तो हम बना रहे हैं कैश बजट मई, जून एंड जुलाई। तो मई, जून और जुलाई का बना रहे हैं, तो मैं जुलाई में पेमेंट में लिखूँगा प्लांट, पेमेंट में मैं लिखूँगा प्लांट और यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूँगा 1600। दैट मीन्स हमें अभी से ही पता है कि जो हमने प्लांट ऑर्डर किया है उस प्लांट के लिए हमें 1600 का पेमेंट जुलाई में करना है और रिमेनिंग पेमेंट आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स मीन्स हो सकता है आने वाले मंथ्स में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में होगा, बट वो तो हमें बनाना नहीं है, तो हम सिर्फ जुलाई का पेमेंट लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट या पॉइंट आप समझ लो, एडवांस टैक्स ऑफ 8,000 इज पेएबल इन जून। जून में एडवांस टैक्स देना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, एडवांस टैक्स 8,000 इन जून। तो जून के कॉलम में 8,000 रुपीज़ लिखेंगे और एडवांस टैक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। जो भी फ्यूचर के एंटिसिपेटेड पेमेंट्स होंगे, मीन्स जो हमें पेमेंट्स करने हैं वो हम पेमेंट्स में लिखेंगे और जो रिसिप्ट्स होंगे वो रिसिप्ट में लिखेंगे और आने वाले 3 महीनों के लिए हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे पास कैश कितना रहने वाला है। सो एडवांस टैक्स 8,000 रुपीस जून में पेमेंट करना है। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 2 मंथ एंड टू कस्टमर्स 1 मंथ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। कौन सी पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 2 मंथ। हमारे सप्लायर हमें 2 मंथ्स की क्रेडिट देते हैं,
हमारा जो गुड्स आता है वो 2 मंथ्स की क्रेडिट पे आता है और हम अपने कस्टमर को 1 मंथ की क्रेडिट देते हैं। अब ध्यान से समझना ये पॉइंट, क्योंकि पूरा आपका चैप्टर इसी पॉइंट पर चलने वाला है। हमारे सप्लायर्स हमें 2 मंथ्स की क्रेडिट देते हैं और हम अपने कस्टमर्स को 1 मंथ की क्रेडिट देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं जून और जुलाई का बना रहा हूँ कैश बजट, तो मुझे मई मंथ में कौन सी पेमेंट करनी होगी अपने सप्लायर को? थोड़ा सा सोचो, ध्यान से सोचो। मुझे मई मंथ में परचेस कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, ये परचेस का कॉलम है। तो मई मंथ में जो मुझे पेमेंट करना होगा, कौन से गुड्स का करना होगा जो मैंने मार्च में परचेस किया है, क्योंकि मार्च का पेमेंट 2 महीने के बाद करना है, मींस मई में करना है। अप्रैल का पेमेंट 2 महीने के बाद करना है, दैट मीन्स जून में करना है। और मई मंथ का पेमेंट 2 महीने के बाद करना है, दैट मीन्स जुलाई में करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे क्रेडिटर्स हमें 2 मंथ्स की क्रेडिट देते हैं, तो जो पेमेंट, जो गुड्स हमने मार्च में परचेस की हैं, उसका पेमेंट 2 महीने के बाद कब देना होगा? मई में। तो आइए क्वेश्चन में लिखते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट करना है? जो मार्च का पेमेंट है, जो परचेज है, वो हमें मई में करना है। जो अप्रैल का है वो हमें जून में पेमेंट करनी है, और जो मई में है उसका पेमेंट जुलाई में है। सिंपली आप इसे ऐसे समझो कि आपने गुड्स मार्च में परचेस की हैं, सामने वाला सप्लायर आपको 2 महीने की क्रेडिट दे रहा है, मीन्स आपको 2 महीने कब पूरे होंगे? अगर आप मार्च में गुड्स परचेस कर रहे हो तो आपके 2 महीने कब पूरे होंगे? तो मार्च के बाद 2 महीने, दैट मीन्स मई में पेमेंट करना होगा। अब अगर मार्च में परचेस मैंने किया है तो मुझे ऑलरेडी पता होगा कि मेरा पेमेंट मई में कितना आने वाला है, 36,000, और अप्रैल में मैंने 38,000 की परचेस की है 2 मंथ्स की क्रेडिट पर। तो अप्रैल का 2 मंथ्स का अगर क्रेडिट है तो अप्रैल का पेमेंट कब आ जाएगा? तो जून में आएगा अप्रैल का पेमेंट, तो जून में 38,000 का पेमेंट होगा। और मई में मैंने कितना परचेस किया है, 33, तो 33,000 को 2 मंथ्स कब पूरे होंगे मई को? मई महीने में जो परचेस की है तो वो जुलाई में पूरे होंगे, तो जुलाई में 33,000 का पेमेंट आ जाएगा। क्लियर? नाउ टू कस्टमर्स 1 मंथ, हम अपने कस्टमर्स को 1 मंथ का क्रेडिट देते हैं। अब ये पॉइंट भी समझो ध्यान से, जो मैंने सेल मार्च में किया है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अगर मैंने मार्च में सेल किया है तो मुझे बताओ 1 महीने की क्रेडिट पे मैंने गुड सेल किए और मार्च में मेरा सेल है 60,000। अगर मार्च में 60,000 का सेल हुआ है 1 महीने की क्रेडिट पे, तो वो पेमेंट कब आएगा? 1 महीना कब पूरा होगा? अप्रैल में। तो ये 60,000 का कलेक्शन जो होगा वो अप्रैल में होगा। फिर से, अब अप्रैल में देखो कितना सेल हुआ है, तो अप्रैल का सेल कितना है, 62,000। तो अप्रैल में जो 62,000 का सेल हुआ है, ये पैसा 1 महीने की क्रेडिट है, दैट मीन्स ये पैसा कब कलेक्ट होगा? तो अप्रैल का पैसा मई में कलेक्ट होगा। तो 62,000 रुपीस का कलेक्शन मई में होगा, 64,000 का कलेक्शन जून में होगा, एंड 58,000 का कलेक्शन जुलाई में होगा, क्योंकि हमने 1 महीने की क्रेडिट के साथ गुड्स सेल किए हैं। सो आइए अब ये रिसिप्ट में लिखूंगा मैं, और रिसिप्ट में यहाँ पर मैं लिखूंगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ओके, नाउ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में अमाउंट कितना लिखना है? सो अप्रैल का सेल है 62,000 और 1 महीने की क्रेडिट है, तो ये पैसा 62,000 मई में आएगा। मीन्स आप समझ लो कि सेल अप्रैल में हुआ है बट पैसा 1 महीने के बाद आएगा मई में। मई का सेल कितना है, 64,
तो ये 64 का पैसा कब आएगा? जून में आएगा। और जून का सेल कितना है? 58,000। और एक महीने की क्रेडिट दिए तो जून के सेल का पैसा कब आएगा? तो जुलाई में। तो ये 58,000 जुलाई में आएंगे। ये है हमारा अंदाज़ा कि हमें कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा हमें पे करना है, रिसिप्ट कितने हैं और पेमेंट कितने हैं। ओके, क्लियर हो गया इतना? नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, पॉइंट नंबर डी। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आपके पास बुक्स अवेलेबल हो जाने चाहिए, ठीक है। नाउ डी, लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ मंथ। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का जो क्रेडिट है वो हाफ मंथ का है, हमें हाफ मंथ में एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं। लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल अदर एक्सपेंसेस वन मंथ, बाकी जितने भी पेमेंट्स हैं वो वन मंथ हैं। लैग मीन्स हमें एक महीने के बाद पे करने होते हैं। चलिए देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि वेजेस हैं। वेजेस क्या होते हैं? हमारे पास जो मजदूर काम करते हैं हम उन्हें मजदूरी देते हैं और वो मजदूरी हमें एक महीने के बाद देनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ मंथ। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस वन मंथ, क्योंकि यहाँ पर बाकी सारे एक्सपेंसेस का लैग वन मंथ दिया हुआ था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हाफ मंथ है। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस में भी वन मंथ का हमें क्रेडिट मिलता है। तो पहले मैं आपको लैग समझा रहा हूँ कि लैग कैसे होता है, हाफ मंथ का लैग कैसे होगा, इसे ध्यान से समझिए। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो भी हैं हमारे, उसमें हमें हाफ मंथ की क्रेडिट मिलती है। हाफ मंथ की क्रेडिट हुई कि हमें 15 डेज में वो पेमेंट कर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लैग इन टाइम, ये रूल्स हैं, ये आप रूल्स में लिखोगे लैग इन टाइम। अब अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि हाफ मंथ का लैग है, हाफ मंथ का लैग है, तो आपको क्या करना है? हाफ ऑफ लास्ट मंथ प्लस हाफ ऑफ करंट मंथ। आधा आपको लास्ट मंथ का लेना है, आधा करंट मंथ का लेना है। सेकंड पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन में 1/4 मंथ दिया हुआ है, 1/4 मंथ का लैग है, तो इसके लिए रूल्स अप्लाई होंगे 1/4 ऑफ लास्ट मंथ प्लस 3/4 ऑफ करंट मंथ। ये 3/4 है। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन में 1/8 मंथ दिया हुआ है, 1/8 मंथ, तो क्या होगा? तो 1/8 ऑफ लास्ट मंथ प्लस 7/8 ऑफ करंट मंथ। ये रूल्स हैं आपके। अभी ये फर्स्ट आ रहा है, सेकंड और थर्ड जैसे ही सब में आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाफ मंथ 1/2 ऑफ लास्ट मंथ, 1/2 ऑफ करंट मंथ। तो आइए पहले हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैसे पेमेंट होंगे? तो मैं यहाँ पर पेमेंट में लिख रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में कौन से पेमेंट होंगे? तो रूल्स हमें क्या सिखाते हैं? हाफ ऑफ लास्ट मंथ, हाफ ऑफ करंट मंथ। नाउ इस पॉइंट को ध्यान से समझना, पूरा चैप्टर में हर एक सम में ये पॉइंट आने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में हमें जो पे करने हैं, तो हाफ ऑफ लास्ट मंथ एंड हाफ ऑफ करंट मंथ। तो मई में कौन सा पेमेंट करेंगे? अप्रैल का हाफ और मई का हाफ।
तो अप्रैल का हाफ कितना होगा, 3000 का आधा करो 1500 एंड 4500 का हाफ करो, इन दोनों का हाफ कर कर पेमेंट होगी मई में, हुआ क्लियर? इन दोनों का हाफ करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, हमें मई मंथ में कौन सी पेमेंट करनी है। तो मई मंथ में जो हमें पेमेंट करना है वो है आधा अप्रैल का, सो अप्रैल का हाफ करो तो वो हो जाएगा 1500 प्लस मई का हाफ करो तो वो हो जाएगा 4500 का हाफ, तो 2250 दोनों का टोटल करेंगे तो 1500 प्लस 2250 तो आंसर आ रहा है 3750। हमें मई में पेमेंट करना है 3750 का। मई के बाद जून में कितना पेमेंट करना है, तो फिर से हाफ ऑफ करंट मंथ, तो जून का एक्सपेंडिचर देखो कितना है, 3500, 3500 का आधा करो 1750 प्लस मई का हाफ करेंगे। जून में हमें पेमेंट कितना करना है, हाँ जून के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं वो देखो, तो हाफ ऑफ द करंट 1750, हाफ ऑफ द प्रीवियस मंथ लास्ट मंथ, तो ये हो जाएगा 1750 प्लस 2250, तो हमें जून में जो एक्सपेंडिचर करना होगा वो हो जाएगा 4000। नाउ जुलाई, जुलाई में कितना एक्सपेंडिचर होगा, तो जुलाई में हाफ ऑफ द करंट मंथ, जुलाई का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 4000, तो 4000 का हाफ करेंगे 2000 प्लस हाफ ऑफ द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ कितना है 3500, सो 1750, सो 2000 प्लस 1750 तो आंसर हो जाएगा 3750। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लैग दिया हुआ हो, टाइम लैग दिया हो और हाफ मंथ का लैग दिया हुआ है, तो हाफ ऑफ करंट मंथ एंड हाफ ऑफ लास्ट मंथ दोनों को प्लस करना है। तो ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में 3750, जून 4000 एंड जुलाई 3750, मई जून एंड जुलाई, यहाँ पर ऐसा लिखना है हमें। अब बाकी दिया हुआ था कि रिमेनिंग जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनका टाइम लैग वन मंथ का है। टाइम लैग वन मंथ का होना उसका मतलब होता है कि अप्रैल के एक्सपेंस मई में पेमेंट होंगे, मई के एक्सपेंस जून में पेमेंट होगा और जून के एक्सपेंस जुलाई में पेमेंट होंगे। देखो हमेशा ही ऐसा होता है, सपोज़ कीजिए आपके घर में या बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो कब आता है, जब आप यूज़ कर लेते हो दो महीने के बाद आपके पास बिल आता है और वो बिल पेमेंट करने के लिए भी आपको कुछ टाइम दिया जाता है, हो सकता है वो 10 दिन हो, 15 दिन हो, महीना दिया जाता है आपको पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, टाइम लैग है, इसे टाइम लैग कहते हैं। अप्रैल में जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनका पेमेंट मई में करना होगा। अब मुझे बताइए कि अप्रैल में वेजेस कितने दिए हुए हैं, तो ये देखिए अप्रैल के वेजेस हैं 8000 और टाइम लैग है वन मंथ का। मींस जिन मजदूरों ने, जिन वर्कर्स ने हमारी फैक्ट्री में अप्रैल में काम किया है उनको हम सैलरी मई में देंगे, और ऐसा ही होता है हमेशा। कोई भी जो जॉब करते हैं, आपको जो जॉब करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, अगर आप अप्रैल मंथ में जॉब करते हो तो उसकी सैलरी कब मिलेगी आपको, सैलरी मिलेगी आपको मई मंथ के फर्स्ट वीक में। तो पेमेंट कब होगा, मई के फर्स्ट वीक में। तो अप्रैल के वेजेस हैं 8000, तो अप्रैल के वेजेस का पेमेंट करना होगा हमें मई में, तो मई का पेमेंट हो गया 8000। देन मई के जो एक्सपेंसेस हैं उसका पेमेंट होगा जून में, और जून के जो एक्सपेंसेस हैं 8500 वेजेस हैं उसका पेमेंट होगा जुलाई में। तो टाइम लैग समझ में आया आपको, ये एक महीने का टाइम लैग है, अप्रैल में होने वाला एक्सपेंस मई में पे करना है। वेजेस में ये था, देन ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस।
नाउ ऑफिस एक्सपेंसेस सेम, वन मंथ का टाइम लैग है, तो अप्रैल में जितने ऑफिस एक्सपेंसेस हुए हैं उनका पेमेंट करेंगे मई में, मई के एक्सपेंस लिखेंगे जून में, एंड जून के एक्सपेंसेस लिखेंगे जुलाई में। सेलिंग एक्सपेंस में भी हमें यही करना है। अप्रैल के सेलिंग एक्सपेंस है 5000। अब देखिए, सपोज कीजिए हमारे यहाँ कोई सेल्समैन है और हम उसे गुड सेल्स करने के लिए कमीशन देते हैं, तो उसने अप्रैल में जितना सेल किया होगा उसका कमीशन मैं उसे दूंगा मई में, तो अप्रैल के सेलिंग एक्सपेंस बट पैड होंगे मई में, मई के एक्सपेंसेस जून में, और जून के एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा जुलाई में। सो ये है हमारा एस्टिमेटेड जो भी पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स हमने रिकॉर्ड किए। आगे क्या दिया हुआ है, सो क्वेश्चन देखें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 months स्टार्टिंग ऑन 1 May 2012 व्हेन देयर वाज अ कैश बैलेंस ऑफ 8000। 1 May से लेकर 3 महीने के लिए कैश बजट बनाना है और इनका ओपनिंग कैश बैलेंस 8000 दिया हुआ है, तो आइए मैं ओपनिंग कैश बैलेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर 8000। सो ओपनिंग मई में इनके पास 8000 पड़ा हुआ है। अब हम सम को क्लोज करेंगे। जितने भी आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, हमेशा आपको पता है ये स्केल पेंसिल से ड्रॉ करनी होती हैं आपको। सो ये है आपका टोटल रिसिप्ट, ये हो जाएंगे हमारे टोटल रिसिप्ट्स, और नीचे हमने टोटल पेमेंट्स लिख दिए हैं कि हमें कितनी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए टोटल रिसिप्ट्स, बी टोटल पेमेंट्स, एंड देन ए माइनस बी क्लोजिंग कैश बैलेंस, ए माइनस बी क्लोजिंग कैश बैलेंस। सो नाउ आइए अब मैं टोटल करता हूँ, तो टोटल में देखिए 8000 पहले टोटल है प्लस 62000, सो टोटल ऑफ रिसिप्ट्स हुआ 70000। अब पहले पेमेंट का टोटल कर लेते हैं, पेमेंट में है 36000 प्लस 3750 प्लस 8000 1500 एंड 5000, तो टोटल हुआ 54250। तो देखिए इनको अभी से ही पता है कि मई मंथ में अंदाजा जो होगा रिसिप्ट जो होगी 70000 होगी, और जो पेमेंट होगा वो 54250 होगा, और बैलेंस देखेंगे कि बैलेंस कितना बच रहा है, तो बैलेंस बचेगा इनके पास जो क्लोजिंग बैलेंस होगा दैट विल बी 15750, ये इनका क्लोजिंग बैलेंस है। नाउ मई का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जून के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 15750, फिर से 15750 प्लस 64000, तो टोटल हो रहा है 79750। अब मैं पेमेंट्स का टोटल कर रहा हूँ, पेमेंट्स का टोटल कितना हो रहा है, सो 8000 38000 4000 10000 2500 एंड 4500। सो पेमेंट का जो मई का टोटल है दैट इज 67000, और 67000 अगर मैं माइनस करूँगा रिसिप्ट्स में से 79750 में से 67000 माइनस करूँगा, तो जो बैलेंस बच रहा है वो है 12750। अब जून का जो क्लोजिंग है वही जुलाई के लिए ओपनिंग हो जाएगा 12750। नाउ 12750 प्लस 58000, तो ये रिसिप्ट्स हो जाएगा 70750। अब मैं पेमेंट्स देख रहा हूँ तो 1600
33,375.0, 8,500, 2,000, and 3,500. सो पेमेंट का जो टोटल आया है वो है 52,350. अब अगर मैं माइनस करूँगा टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट, तो आंसर आ जाएगा 18,400. तो अब देखिए, ये है कैश बजट, जिसमें इस कंपनी को पहले से ही पता है कि अप्रैल में उन्होंने कितने परचेस किए, सेल्स किए हैं, उनका मई में कितना पेमेंट होगा, जून में कितना पेमेंट होगा और जुलाई में कितना पेमेंट होगा. और उस पेमेंट के अकॉर्डिंग अगर इनके पास कुछ एक्सेस कैश है तो क्या उन्हें कहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए या फिर कोई शॉर्टेज आ रही है. ये तो फर्स्ट सम है, इसमें कोई शॉर्टेज आई नहीं है, बट अगर शॉर्टेज आ रही है तो वो पैसा अरेंज कहाँ से करेंगे. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. और अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और सॉल्व करवा सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज लेक्चर TY BCom का, जिसमें हमने कैश बजट का फर्स्ट सम सीखा, कैसे करेंगे और सॉल्व कैसे करना है. होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ये वीडियो यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ. जितना हो सके ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट्स कीजिए. बट फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से वो भी इस वीडियो का, इस लेक्चर का बेनिफिट ले पाएंगे. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय.